रावण। आप में से कुछ लोगों को पता है कि श्रीलंका नरेश लंकेश दसानंद जी रावण जी श्रीलंका से इंदौर रिलोकेट हो गए। अब ऑलमोस्ट एक साल होने को आया, तो हमारी खुशकिस्मती है कि रावण जी हमारे साथ हैं, तो उनसे चंद प्रश्न करते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये था कि आपके जो ये 10 सिर हैं, ऐसे दुनिया में किसी के नहीं हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? और बहुत फ़ायदे, इतने फ़ायदे हैं आपने सोचे भी नहीं होंगे। मेरे को ही नहीं मालूम था इंदौर आने के इतने फ़ायदे। 56 दुकान जाते हैं अपन सब, एक बार में 10 आइटम खा लेता हूँ। विजय चाट हाउस का पीटिस, जानी हाइडा का हाइडाग, मधुरम की शिकंजी, ऐसे करके 10 आइटम, और पाँच शिफ्ट में तो 50 दुकान निपट जाती है। और बताऊँ 10 फ्लेवर की पानी पूरी एक बार में खा लेता हूँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। शादी ब्याह में चले जाता हूँ, थोड़ा नाच लेता हूँ, गा लेता हूँ, थोड़ा संगीत में प्रोग्राम देता हूँ, 10 जनों की टोली के पैसे मिल जाते हैं, कोरस गा लेते हैं हम लोग। और कोई नुकसान, कोई घाटे, कोई व्हाट आर द डाउन साइड्स ऑफ हैविंग 10 हेड्स? ज़्यादा नहीं, 2 घाटे हैं, एक तो 10 मुंडे हैं ना, तो सबके हेयर कटिंग, दाढ़ी मूंछ सब सेटिंग करवाने में बहुत पैसे लगते हैं, और फिर फैशन बहुत बढ़ गई है। अब उधर से बाएं से चौथा है ना, और दाएं से तीसरा फैशनेबल हो, उनको फेशियल करवाना, फेशियल वो पूरा ऐसे मसाज वसाज करा के, तो फिर अब वो 2 करवाए, तो फिर बाकी भी सब हमने ऊपरे करा, फिर सबके करवा। तो उधर 56 पलासिया की तरफ विजयनगर था, वो इतने महंगे भाव के सलून और हमारे ये क्या तो पार्लर में करवा। और वो पिक्चर देखने में बहुत तकलीफ, पिक्चर देखने जाओ तो 10 सीट लेनी पड़ती। अब मेरे एक तो पुट्ठा, अब मैं बैठ जाऊँ, लेकिन बोले साहब आप पूरी 10 सीट कवर करते हो तो आपको तो 10 के पैसे देने, पूरे 10 के पैसे देने पड़ते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने आगे रह के बोला, छोटे बच्चों को बिठा लो मेरे मुंडे के नीचे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो नहीं साहब ऐसा नहीं होता, वो तो सब फैमिली के साथ बैठना पड़ता। मैंने कहा 1 get 1 फ्री में, 5 के ले लो तुम पैसे, नहीं नकर गए। एंड हाउ इज़ द फैमिली? फैमिली भी सब सेटल हो गई। शुरू में नकारा, ना नौकर, लेकिन सब लाइन पर आ गए। आपकी बहन शूर्पणखा, जिसके कारण पूरी रामायण बनी, और उसका बहुत बढ़िया हो गया। शूर्पणखा को अपन ने दिया बाणगंगा के तरफ के हैं हमारे कंवर साहब, वो क्या वो निकला प्लास्टिक सर्जन, तो सब रिपेयरिंग कर दिए, सब कान ना पहले से बढ़िया होगा, एक ढेला नहीं लगा। और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को एक कमरा दिला दिया सराफे में, वो वहाँ पर दूसरी मंजिल पर रहता है, रात को 8 बजे नीचे उतरता है। उसने 6 महीने सोने का प्लान कैंसिल कर दिया, अब बस 12 महीने खाता रहता है। एंड विभीषण, अरे विभीषण को तो बहुत जोरदार चल रहा है, अरे बहुत जोरदार चल रहा है। विभीषण की सबसे ज़्यादा चांदी है, अरे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो कोचिंग ट्रेनिंग सबको दे रहा है, सब नेताओं का उसका बिल्कुल, उसने इंदौर से चालू करा था कि सब नेताओं को सिखाता है कि कौन से टाइम पे कौन सा पाला बदलना है, पूरी टाइमिंग उसकी परफेक्ट है, तो ऐसी कोचिंग देता। और वारे न्यारे होगा उसके तो, अरे उसका तो इंदौर से निकला मध्य प्रदेश, अब तो दिल्ली पंजाब, नवजोत सिंह सिद्धू उसका बहुत बड़ा स्टूडेंट। आपको क्या लगता है इस विभाग में नवजोत सिंह सिद्धू ज़्यादा टैलेंटेड हैं या आपके ब्रदर विभीषण जी? अभी उतना उसको सक्सेस नहीं मिली है नवजोत को, लेकिन पाले बहुत बदले। मतलब वो विभीषण भी कहता मेरी बातचीत होती रहती है, मतलब हमारा ऐसा मनमुटाव नहीं है, मतलब शुरू में हुई थी अनबन, मैंने कहा क्यों छोड़ के गया, लेकिन फिर मैंने कहा यार योलो यू ओनली लिव वंस, तो क्यों अपने को ये ही लुज्जत और क्यों मनमुटाव पालना, मैं सबसे बना के रहता हूँ। मैंने बोला विभीषण तेरे को जैसा जचे तू वैसा कर, वो भी वो सुखी घर यार, अब बहुत देने वाला है, उसके घर आके सूटकेस दे जाते हैं। और अभी तो महाराष्ट्र में तो चांदी हो गई, महाराष्ट्र में जो कमीशन मिला है विभीषण को, और आसाम में और गुजरात में और गोवा में, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बहुत ऐसे हैं, मतलब उसको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि कब गिने और कब कहाँ रखे, उसकी पलंग के नीचे सूटकेस भरे हुए। और आपका बेटा मेघनाथ, अरे मेघनाथ ने बहुत चूं चपड़ करी, अरे पापा मेरे को कोचिंग करनी, ट्यूशन करनी, UPSC की तैयारी नहीं, MBA की तैयारी, मैं तो दिल्ली जाऊँ बम्बई जाऊँ। मैंने कहा ये कैसा पलासिया चौराहे पर खड़े होके देख, कितने बोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के, एक से एक चारों तरफ कोचिंग, इंदौर गढ़ हो गया, कोटा तगात रह गया, तू कहाँ जाने की बातें कर रहा है, तू आगे पीछे तू MBA कर लेगा, बैठना तो गल्ले पे ही है,
तो फिर काहे के जबरदस्ती का टाइम फोकटी करना, और घर में रहेगा, घर का खाना मिलेगा, इंदौर का छप्पन का सरापे का खाना मिलेगा, क्या तकलीफ, मानना जैसे तैसे। और एक दिन बोले वो पापा पापा वो स्पेशल कोचिंग स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब वहाँ पे 20 लाख में माया जाल बनाना सिखा रहे हैं, माया जाल में मैं इधर गायब हो सकता हूँ। अगर मैंने क्या भेजू, घर के मकड़ी के जाल साफ हो नहीं रहे हैं तेरे से, तू माया जाल बनाया बैठ। तब से घर पे बैठा है, MBA कर रहा है, करेगा। और आप यहाँ पर घूमते हैं, कहीं जाते हैं, पूरा इंदौर देख लिया आपने? अरे बहुत घूमा, अरे बहुत घूमा, अरे खूब घूमा, अरे घूमने की कितनी जगह, अरे बहुत जगह है यहाँ पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आष्टा, सोनकच, सोनकच की कचौरी, और आष्टा का गुलाब जामुन, और सोनकच में सीताफल, भोपाल तक पूरा MP पूरा निपटा दिया। बस एक इधर मऊ नाके के आगे नहीं जाता। मऊ नाके के आगे क्यों नहीं? अरे वो क्या मऊ नाके के आगे, वो दशहरा मैदान है, वहाँ रावण जलाते हैं। एक बार चले गया था गलती से, स्कूटी उधर मुड़ गई थी, और छोटी छोटी पड़ गई पीछे, एकदम तीर कमान लेके। तो उसके बाद तो मैं तो ऐसा भागा वहाँ से। श्रीलंका वापस जाते हैं आप? जाते रहते हैं। अरे अब नहीं मूड होता, अब शुरू में एक आध दो हफ्ते लगा होगा तो लगा होगा। अब तो मैं बोल रहा हूँ ना, परिवार का ही मन लग गया मेरा तो, मेरा मैं तो जहाँ जाता हूँ ना वहाँ हमेशा हो जाता हूँ। मैंने कहा बढ़िया है यार, वो राक्षस राक्षस ने पूरी राक्षस प्रवृत्तियाँ छोड़ दी, अपन ने दास दासी सोने चांदी हीरे मोती सब मोह खत्म हो गया। इंदौर कैसा लग रहा है आपको? इंदौर कैसा स्वच्छ शहर, ओ हो हो, 5 साल लगातार स्वच्छ, और अभी 6ठी बार, अरे पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1। अरे हमारा श्रीलंका मैंने, अरे मैंने तो करोड़ बार वो लगा दिए, मेरा मैं श्रीलंका साफ ही नहीं हुआ। इंदौर वालों ने गजब की सफाई करी, गजब की सफाई करी। यहीं रहेंगे अपन, अब तो यहीं पर मौत आएगी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। चलो भैया आओ रावण, चलो भैया रावण।